ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਡੋਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਹਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਮਨ ਡੋਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। अमन डोडा ने कहा कि सोमवार को अमृतसर के जाके बाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख का पुतला फूकया जाएगा, इस दे नाल ही रोस प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिंदू परिवारों पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर भी निशाना साधा जा रहा है, जिस के विरोध में उन्हों वालों ये पुतला फूक प्रदर्शन किया जा रहा है। अज जो सब देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से फेसबुक से एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को आर्थिक धार्मिक सब तरह नुकसान किया जा रहा है, जो हिंदू लोग ने उन्होंने भी धक्के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उन्होंने लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, लव जिहाद ताम है, जिनके देखने को आया भी किन्ने परसेंट हिंदू तो किन्ने परसेंट रह गए ने। इसलिए जो पाकिस्तान ने शर्मनाक हरकत की है, जो हिंदू मंदिर तोड़ा गया उनके उपलक्ष्य उस उपलक्ष्य शिवसेना पूरे पंजाब की टीम सोमवार अमृतसर वाघा बॉर्डर से 1 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आईएसी चीफ एक इन्होंने सेना चीफ बाजवा का पुतला फूकेगी। जबकि देखने को मिलता भी आप हिंदुस्तान में हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी, जैनी भी, बौद्ध भी, हिंदू समाज इन्ना पोलिटिक एदा प्यारा समाज है जो किसी ने कुछ नहीं कह रहा। कदे तुसीं सुनिया इन्हां दी मस्जिदां हिंदुस्तान नूं नुकसान होया होवे, किसी क्रिश्चन भरा दा होया होवे या किसी भी भरा नूं किसी हिंदू समाज ने नुकसान कीता होवे, इन्हां दे प्रधानमंत्री ने एक शोक भी प्रगट नहीं किया इमरान खान ने, जबकि वह उन्हां दा वजीर है, वजीर का काम है हरेक किसी नूं सुरक्षा मुहैया करवाना, अमन कानून की व्यवस्था बनाए रखना, परंतु इमरान सरकार फेल है। पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद राष्ट्र है, सब नूं पता लग गया है, इसलिए इन्हों मुंह तोड़ जवाब देने लई असी सोमवार 1 बजे वाघा बॉर्डर से इन्हों तीनों के पुतले फूकांगे। जेकर इस तों बाद जेकर साढ़े हिंदू समाज में सिख समाज में कितने भी पाकिस्तान जी कोई आई अगली इंटरव्यू तुसीं वेखोगे सारे हिंदू सिरा ते पग्गा पट्टा बन के ते अजी इन्हों नूं निशाना इत्थे हिंदुस्तान च जेकर इन्हें उधर नहीं सुधर देता। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਕਾਹ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। जबकि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जो सब तो जीन का अधिकार ही छीनता है, यूएनओ भी सब हो चुके हैं, भारत ने हम अंतरिक्ष प्रधानगी लै रहा है, वो फर्स्ट मीटिंग से आही मुद्दा रखे जो मुद्दे अज के गंभीर विषय आतंकवाद के ने। जिथे देश में मोदी सरकार है अपने आप हिंदू राष्ट्र सरकार कहती है, मोदी सरकार वालों भी इसका फल तक कोई आवाज नहीं उठाएगी, तुहानू की लगता है? मोदी सरकार चुप है, अब खुद हैरान हाँ एनसीआर लागू करने इन्ने वधिया कानून बनाए ने, असं उन्होंने एप्रीशिएट करते चंगा काम करेंगे असं एप्रीशिएट करते, पर हम कुछ बोल ही नहीं रही, बिल्कुल गूंगी सरकार हो चुकी है। इन्हों का रीजन इन्होंने ही पता है, ना कोई बीजेपी वाले ने अज आलोचना की ना कुछ, जबकि इन्होंने चाहिए सी उन्होंने प्रधानमंत्री या संयुक्त राष्ट्र रख के भी सारा इन मसले को हल किया जाए। तो जिमें कि मोदी सरकार खिलाफ पिछले लगभग 1 साल के नेड़े होने वाला किसान अंदोलन चल रहा है, तुहाडा उस बारे की कहना है? किसान देखो जी ये अंदोलन किसानों ने किसानों वास्ते किया है, यदि मोदी सरकार ने बिल बनाए ने जेकर बिल नहीं पास नहीं पसंद या तो उन्होंने ग्राउंड लैवल से पहला समझाते नहीं समझे नहीं पास आए, जेकर कोई मेरे फायदे वास्ते चीज है जेकर मैनू ही नहीं फायदा मैनू ही नहीं दिख रहा तो उन्होंने किसानों की मंग मंग के रद्द ही करना चाहिए, कोई गल नहीं फ्यूचर बनाने रखो, किसानों को समझ आए कुछ आए तो किसान तैयार हो जाएंगे। जो अज की मीटिंग कॉल की गई थी वो साडे पंजाब प्रमुख श्री योगराज शर्मा जी, युवा प्रमुख संजीव भास्कर जी, दिशा निर्देशों अनुसार की गई है, पार्टी अगे जिवें निर्देश देगी उवें उवें पार्टी के अनुसार काम किया जाएगा। अज का निर्देश यही है मीटिंग का, अगला सोमवार पूरा पंजाब इकट्ठा हो गया वाघा बॉर्डर जा रहा है, तो असं लोगों को हिंदू समाज को अपील करते हैं भी साडा साथ दिओ, सब अमृतसर पहुंचो वाघा बॉर्डर से जाके आप प्रदर्शन करिए ताकि इतों की मोदी सरकार के भी कान खुल सके।